रीवा जिले में एक बार फिर हत्या की वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। दरअसल मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र का है, जहां खेतों की रखवाली कर रही महिला को मौत के घाट उतारा गया है। घटना की जानकारी उसके पति को उस समय हुई जब चीख सुनकर बाहर निकला तो महिला लहूलुहान पड़ी मिली। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने FSL टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र किए हैं। पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि सावित्री साकेत और उसका पति अपने घर में सो रहे थे। किसी की आहट पाकर सावित्री बाहर निकली तो उसके गले में चाकू से हमला कर दिया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि रीवा जिले में इन दिनों लूट, चोरी और हत्या जैसी बड़ी वारदातें आम हो चुकी हैं, जिससे जिले में दहशत का माहौल है। आइए आपको दिखाते हैं घटनास्थल और सुनाते हैं एडिशनल SP ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। मनगवा में गांव है कुई खुर्द, उसमें एक परिवार जो है सावित्री साकेत, पति सुदामा साकेत, पति पत्नी जो है दोनों ही कमरे में, दो कमरे का मकान था, अलग अलग कमरे में सो रहे थे। आसपास जो है चारों तरफ के खेत हैं उनके, तो पति ने ये रिपोर्ट किया है कि वो जब सुबह 3:30 बजे पत्नी उसकी जगी और उसने जो है कोई मवेशी खेत में ना आए इसके लिए वो तकवारी कर रही थी। इसी के दौरान वो आवाज़ लगाई, जब ये गया तो बताया कि उसके गले में किसी ने चाकू मार दिया। प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाया जा रहा है, मर्ग पंजीबद्ध करके इसकी जांच की जा रही है। शव को PM के लिए भेजा गया है। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।